पांच साल की बच्ची से स्कूल में मारपीट, प्रिंसिपल ने बताया। राजनीति मुद्दा होडल। गांव खांबी में स्थित एक निजी स्कूल में अध्यापक द्वारा एक पांच साल की बच्ची के साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित बच्ची के पिता ने मामले की शिकायत थाना पुलिस से की है, जबकि स्कूल प्रिंसिपल इस मामले को गांव की राजनीति से जुड़ा होना व छात्र के परिजनों द्वारा स्कूल को बदनाम करने का प्रयास बता रहे हैं। जानकारी के अनुसार गांव खांबी निवासी रविकांत ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उसकी पांच साल की बच्ची खुशी गांव खांबी के एक निजी स्कूल में पढ़ती है। उन्होंने शिकायत में कहा कि 20 फरवरी को खुशी स्कूल में देरी से पहुंची थी। उन्होंने बताया कि स्कूल में देरी से पहुंचने पर स्कूल के अध्यापक ने खुशी के साथ मारपीट की। मारपीट के कारण खुशी को काफी चोट आई। उन्होंने बताया कि खुशी ने घर पहुंचकर अपने परिजनों को आपबीती बताई। खुशी की बात सुनकर उसके पिता ने पुलिस को मामले की सूचना दी। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में जब स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई तो स्कूल के प्रिंसिपल मोतीलाल का कहना है कि बच्ची की पिटाई नहीं की, जबकि क्लास में पढ़ाते समय गलती से उसके हाथ में लग गई। उन्होंने बताया कि बच्ची के परिजन मामले को राजनीति से जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्ची के परिजन गांव खांबी में पंचायत मेंबर है, जबकि उनके भाई गांव के सरपंच हैं। कुछ नाराजगी के चलते इस मामले को राजनीति मुद्दा बनाया जा रहा है और इसमें स्कूल को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्ची को कोई गंभीर चोट नहीं है। जो आपके स्कूल का मैटर बच्चे पीटने का आ रहा है, आपका क्या मैटर है और स्कूल क्या नाम स्कूल का आपके का? सर, हमारे स्कूल का नाम ज्ञान शिखा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, ये खांबी गांव में पड़ता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोतीलाल है। आप विद्यालय के चेयरमैन हैं? नहीं, मैं विद्यालय में प्रिंसिपल हूँ। और ये जो मैटर जो सामने आया है बच्चे की पिटाई का, इसमें एक्चुअल में हमें जो अध्यापक के द्वारा पता चला है, उन्होंने बताया है जी मैं पॉइंटर से बच्चों को पढ़ा रहा था बोर्ड पे, और जैसे बच्चे शोर करते हैं तो मैंने उस पॉइंटर से टेबल को जाके बजाया सब बच्चों की तरफ देखते हुए। वो गलती से पॉइंटर उस बच्चे के हाथ पे कहीं लग गया, वो बच्चा रोया, मैंने तुरंत उसे गले से लगाया, उस बच्चे को पुचकारा, उसको चुप किया, ये हमें टीचर ने बताया। और वो कह रहा था जी उस टाइम मैंने बच्चे का हाथ तुरंत देखा तो उसमें ऐसी गंभीर चोट मुझे कहीं दिखाई दी नहीं थी, और ये मैटर उन्होंने टीचर ने हमें बताया था। लेकिन अब ये मामला इतना उछलता क्यों जा रहा है? सर, एक्चुअल में है क्या, जो बच्ची के पेरेंट्स हैं ना, वो ग्राम पंचायत खांबी में मेंबर पद पर भी तैनात है, और जो हमारे बड़े भाई हैं वो सरपंच हैं ग्राम पंचायत खांबी के। ये जो मेंबर साहब हैं ये किसी कारणवश उनसे नाराज चल रहे हैं, तो उस नाराजगी की वजह से ये उस बात को राजनीतिक मोड़ देने का प्रयास कर रहे हैं और स्कूल को मोहरा बनाया जा रहा है इस मामले में, जबकि स्कूल का इस मैटर में कोई ऐसा लेना देना है नहीं, कोई गंभीरता नहीं है इस बात में। रविकांत जी, ये बताइए जो बच्ची के हाथ में लगी है क्या मामला है, कैसे चोट आई इसके हाथ में? जी, परसों की बात है, मेरी बेटी स्कूल से आई घर पे, तो देखा बेटी सुस्त थी, तो इसको पूछा, इसने नहीं बताया, इसकी ताई जी ने बताया कि बेटी की पिटाई करी टीचर ने। जब इसकी मम्मी इसको लेकर वापस गई स्कूल में, तो वहाँ पे स्कूल के प्रबंधक महोदय राजवीर शर्मा जी मिले और उनसे पूछा कि हमारी बेटी की क्या कमी है जो पिटाई हुई है, तो उन्होंने ये कहकर टला दिया कि टीचर तो यहाँ पे है नहीं, वो टीचर घर पे चले गए, जबकि टीचर किसी दूसरे कमरे में मीटिंग कर रहे थे। जी, जबकि उनका फ़र्ज बनता था कि बेटी को पूछना, भाई कितनी लगी है बेटा, कैसे क्या बात थी, उन्होंने ये बात ठंडे बस्ते में डाल दी। जी, मेरी घरवाली घर वापस आ गई, शाम को मैं जैसे बाहर से घर आया तो मैंने देखा मेरी बेटी काम नहीं कर पा रही थी, हाथ में स्वेलिंग थी, तीन उंगली हैं उसमें नील पड़ रही थी, तो मैं बेटी को दिखाने के लिए हॉस्पिटल लेके गया। जी, क्यों, बेटी की जात है। जी जी, अभी बेटी कच्चा घड़ा है। जी, तो मैं वहाँ पे गया, मैंने एक्सरे वगैरह कराए, अभी वहाँ से रिपोर्ट नहीं आई है, MRI कट गई है। जी, डॉक्टर साहब ने देखा मौके पर स्वेलिंग है और दर्द थे, उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट वगैरह किया। जी, वापस मैं जैसे आया डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इसकी FIR कर दीजिए, मैं SP मैम के वहाँ गया, SP मैम ने मुझे संतुष्ट करके भेजा वहाँ से। जी, SP मैम ने
एक ऑन ड्यूटी लगाई एक मैम, उनसे बोला कि इनको न्याय दिलाओ। वो मेरे साथ मुझको थाने लेकर गई हैं, लेकिन जिन जो प्रबंधक महोदय वो गांव से कुछ चुनिंदा गवाहों को लेकर के वहां पर पहुंच गए जो केवल उन्हीं की बातों को मानते हैं। तो पुलिस इसमें क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस एसपी ऑफिस से पूरी संतुष्टि चल रही है जी, लेकिन थाने में जो डीएसपी साहब है वो भी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन प्रिंसिपल महोदय ने अभी तक मुझसे ये नहीं पूछा कि बेटी का क्या डोर है क्या डोर नहीं है। वो अपनी जिद पर अड़े हुए, मुझे बेटी के साथ इंसाफ चाहिए। तो अभी नीचे अभी जो लोकल पुलिस है वो आपकी कोई भी मदद नहीं कर रही है? लोकल पुलिस उन गवाहों, क्योंकि उस टाइम में मेरी बच्ची थाने में थे और मेरी तरफ से कोई नहीं था। डीएसपी साहब उनकी भीड़ को देख करके शायद ऐसा हो, वो रुक गए हों कार्रवाई से। तो अब आप क्या चाहते हैं इसमें? मैं चाहता हूँ न्याय, दोषी को सजा मिले, दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो, प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई हो। ये छोटा बच्चा अगर इसकी कोई कमी भी होगी तो स्कूल में आया उपलब्ध कराए जाते हैं। स्कूल का नाम बताओ। स्कूल का नाम ज्ञानस का सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गांव खामी। खामी से? जी हाँ।